फ्रेंड्स, वेलकम टू मन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको गिवन किया, सबसे पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ मेनी सबसेट डू द फॉलोइंग सेट है, यानी जो सेट गिवन है उस सेट के सबसेट कितने होंगे। अब सबसेट फाइंड आउट करना आपको मैंने बताया था, याद हो तो आप ठीक है, तो देखना थोड़ा सा और दोबारा अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसेट नंबर ऑफ सबसेट 2n, ये क्या आपके नंबर ऑफ सबसेट, और ये जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या फिर इन सेट, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट के अंदर एक सेट है, उस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। n की वैल्यू 5 हो गई तो सबसेट, टोटल सबसेट ऑफ a था, ये सेट आपका सेट a की, टोटल सबसेट ऑफ a 2 की पावर n फॉर्मूला होता आपका, तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है यहां पे, 5, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 32, ये लीजिए। ऐसे में नेक्स्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट की इसकी बात करूं, तो सेकंड पार्ट में गिवन आपको कि द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड सेंटेनरी, ठीक है ना। तो इसको मैं लेट करके एक सेट मान लेता हूं, आपका जो वर्ड है उस वर्ड का मैं सेट बनाऊं, सेट ए बनाऊं, तो सेट ए के अंदर देखो कितनी वैल्यू, सी E, रिपीट नहीं करवाना कोई भी वर्ड, N, T, उसके बाद E, तो E डबल आ गया, कर दिया, N भी डबल आ गया, तो ये भी कंप्लीट है, A नहीं आया तो A, उसके बाद में R और उसके बाद में Y, ये सेट आ जाएगा, कौन से वर्ड, इस वर्ड से बना हुआ। अब इसमें ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लीजिए 7, ठीक है। तो टोटल सबसेट कितने हो गए कि टोटल सबसेट ऑफ सेट ए कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है 7, और 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64, और 64 और 2 128, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन सिक्स का आंसर, समझ गए होंगे, ठीक है ना। इससे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड है, उस वीडियो का आप देखना, तब जाके ये सारा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। उसमें अपन सबसेट के बारे में डिस्कस किया है, प्रॉपर सेट के बारे में डिस्कस किया है, सुपर सेट के बारे में डिस्कस किया है, फैमिली सेट के बारे में डिस्कस किया है, और पावर सेट के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ के बारे में। तो सेवंथ क्वेश्चन में आपको गिवन किया वो देखिए, सबसे पहले तो इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ के अंदर आपको गिवन है, देखिए कि हाउ मेनी प्रॉपर सेट, आपको क्या निकालना है, प्रॉपर सेट निकालना है, प्रॉपर सबसेट निकालना है, ठीक है, एक ही बात है। डू द फॉलोइंग सेट है कि फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है कि सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, कि 12 के फैक्टर का एक सेट बनाना आपको, ठीक है। अब सबसे पहले तो 12 के फैक्टर होते हैं कौन कौन से, तो मैं इसको लेट करके एक सेट मान लेता हूं, सेट ए, ठीक है। अब सेट ए आपका 12 के फैक्टर बताने हैं, यानी 12 को कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो 12 को एक तो 1 डिवाइड करती है, एक 2 भी डिवाइड करती है, और 12 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, फिर 6 की टेबल में भी आता है, फिर 7 की नहीं आता है, 8 की भी नहीं आता है, 9 नहीं आता है, 10 नहीं, तो फिर उसके बाद में आ जाएगा 12, ये लीजिए। अब इसमें आपको क्या निकालने थे, प्रॉपर सबसेट निकालने थे। अब प्रॉपर सबसेट के अंदर कौन सी वैल्यू होगी,
जो एक तो सबसेट इन सारी वैल्यू को हटा दो, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू को मैं हटा दूं तो सबसे पहले तो मैं सबसेट निकालू इसका, कि सबसेट ऑफ सेट ए, इनके सबसेट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर, यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 6 हो गई, तो 2 की पावर 6, ठीक है ना, फॉर्मूला है अपने ये रहा, तो 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 64 हो गई, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सबसेट होता कौन सा है, कि याद हो तो आपको मैंने बताया था कि ए सबसेट है बी का, इस केस में ये जो ए है वो इसका क्या है, प्रॉपर सेट है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होता है। तो ये कंडीशन आपको ये बताना है कि एक यहां से जो सेट आएगा, सबसेट आएगा, वो बी का सेट सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो लास्ट वाली वैल्यू, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये तो बड़ा है, इसको समझना आप थोड़ा सा, वैसे आपके आए हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लेता हूं ए, पी ले लो 1 2, ये दो वैल्यू ले ली मैंने, इसके सबसेट फाइंड आउट करूं तो एक तो 5 1 1, इसको ब्रैकेट में बंद करो, 1 2 और 1 होगा 1 2, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है, प्रॉपर सेट है। क्यों ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पी सेट है इस सबसेट के इक्वल आ गया, और इक्वल केस नहीं बनना चाहिए। तो इक्वल वाला केस यानी ये जो लास्ट वाली वैल्यू ये पूरा का पूरा आएगा, तो इसमें ये लास्ट वाली वैल्यू एक सेट ऐसा आएगा जो इक्वल बनाएगा, जो प्रॉपर सेट में काउंट नहीं होगा, और प्रॉपर सेट में काउंट नहीं होगा तो प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ ए 64 माइनस 1, ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें टोटल 4 में से एक को माइनस कर दूंगा तो 3 तो बचेंगे ना आपके, तो यहां पे वैल्यू कितनी बच जाएगी आपके पास में, 63। अब आपके आंसर के अंदर ये गिवन है 62, ये क्यों गिवन है, क्योंकि इसको भी इस प्रॉपर सेट के अंदर काउंट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये प्रॉपर सेट के अंदर काउंट होता है। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्शन करवाए थे आंसर के अंदर, कि उसमें आपको फाई नहीं लिया हुआ है, ठीक है, फाई क्या आपका प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसी का, सेकंड के बारे में डिस्कस करें अपन, तो सेकंड में आपको क्या गिवन है, सेकंड आपको गिवन है कि द सेट ए, एक सेट ए है वो डिफाइन हो रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स क्या आपका प्राइम नंबर, ठीक है, और एक्स लेस देन 20, एक्स आपका एक प्राइम नंबर। अब ये कौन सी फॉर्मेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तब अपन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट करूं, एक्स आपका क्या है प्राइम नंबर, और वो एक्स किससे कम होना चाहिए 20 से, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, और फिर आपका 19 प्राइम नंबर है। अब इसमें ये जो टोटल नंबर है, टोटल एलिमेंट है, वो कितने आ गए, 4 4 8 आ गए टोटल। तो सबसे पहले क्या निकालें अपन, सबसेट निकालते हैं, कि सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 की पावर n, और 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 8, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई देखो 256, कितना आएगा 256। अब प्रॉपर सेट को काउंट करना है, तो प्रॉपर सेट अपन निकालें, प्रॉपर सबसेट की वैल्यू निकालें ऑफ सेट ए, इसकी वैल्यू निकालें तो 256 में से एक को माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी 255 आ जाएगी, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर 254 गिवन है, ठीक है, तो इसमें से आप ये 5 और माइनस कर दोगे तो 254 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, यानी 8 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलिए देखिए, समझ गए होंगे आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ में।
चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट के अंदर ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं, ठीक है, कि आंसर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट देखिए, थ्री सबसेट एंड इक्वल टू 3,0, यानी अगले ने बोला है कि ये जो 3 है ये इस पूरे सेट का क्या है, सबसेट है। क्या सबसेट इस पूरे सेट के कौन से होंगे, यदि इस 3 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता तब ये क्या होता, इसका सबसेट होता इसका। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि सबसेट होता तो ऐसे होता ये। अब है क्या ये 3 इस पूरे सेट का एक एलिमेंट है। एलिमेंट को इसको मैं सही लिख के रिप्रेजेंट करूं तो 3 बिलोंग्स टू 3,0, ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में आपको गिवन है 3, सबसेट 3 एक सेट है, वो सबसेट है किसका, 3,0 का। तो ये क्या आपका ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला है तो मैंने सही करके लिखा है इसको, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रू केस है। थर्ड के अंदर आपको गिवन है कि 5 बिलोंग्स टू 3,0। अब 5 क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो उसका क्या होगा, सबसेट है। तो ये 5 आपका सबसेट है, तो बिलोंग किसे कर गया, ये तो सबसेट है। तो इसको मैं सही करके लिखूं तो सही आपका क्या होगा, पहले तो ये केस है क्या आपका, फॉल्स है। ये फॉल्स है तो इसका सही क्या होगा, 5 सबसेट है किसका, 3,0 का, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर इसका मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में आपको गिवन है कि 0 बिलोंग्स टू 3,0। तो ये केस आपका ट्रू है क्योंकि 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ आपका 5 सबसेट है किसका, 3,0 का, देखो सही करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी केस आपका क्या है, ट्रू है। उसके बाद में सिक्स की मैं बात करूं तो सिक्स में आपको ये गिवन है कि 5 सबसेट है इसका 5 का, ठीक है। अब देखो ये एक सेट है, ठीक है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 5, तो इस 5 के मैं इस पूरे सेट के सबसेट बनाऊंगा तो एक सबसेट ये होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका ट्रू केस है, ठीक है ना। कई बार इस 5 ये गलत ही मान लेते हैं, लेकिन इस सेट के अंदर देखो एक एलिमेंट दिया हुआ है। आई बात समझ, मैं ये बोलू अकेला 5 बोलता तब तो ये सेट है, लेकिन इसके ऊपर ऐसे बना दू तो ये पूरा सेट है जिसका एलिमेंट क्या आपका 5 है। अब इसके मैं सेट की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इस सेट की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट सेट तो आपका 5 हो गया और सेकंड आपका सबसेट इस 5 पे, या दो सेट आ जाएंगे इसके, ठीक है ना, ऐसे। तो ये भी आपका ट्रू केस है। ऐसे में सेवंथ की बात करूं यहां पे तो देखो सेवंथ आपका ये यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, अपन डिस्कस करते हैं इसके सेवंथ पे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये आप समझना इस चीज को, ठीक है ना, वहां पे किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपका इसका सेवंथ पार्ट की बात करूं तो सेवंथ के अंदर आपको गिवन है कि 4 एनी टू सेट ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट गिवन है और उन दोनों सेट के लिए आपका आइदर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है क्या, हर सेट के लिए, या फिर बी सबसेट एंड इक्वल टू ए, ये कंडीशन आपको बताना है। लेकिन अगले ने ये नहीं बोला कि वो सेट देता तो मैं मान लेता, लेकिन यहां पे ट्रू कंडीशन है। अगले ने बोला कि दो सेट वो कुछ भी हो सकते हैं, उन दोनों कुछ के लिए ये कंडीशन ट्रू है क्या, तो चेक करता हूं मैं लेट करके। ऐसे दो सेट ले लेता हूं इक्वल ना कर, देखो मैं ऐसे लू कि ए इक्वल टू 1,2 और बी इक्वल टू 1,2, इन दोनों कंडीशन से मैं ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले ने एनी टू सेट बोल दिया, ये जरूरी थोड़ी यही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, तो कुछ हो सकते हैं जहां पे फॉल्स हो वो कंडीशन देखो, मैं 1,2 ले लू और 3,0
बी वाली वैल्यू 3.4 ले लेता हूं। अब इस कंडीशन के अंदर ये वेरीफाइड है क्या? ये है आपका ए नॉट सबसेट एंड इक्वल टू बी एंड, या फिर और मैं ये लिख दो कि बी नॉट सबसेट ऑफ ए, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए होंगे क्यों। इसके लिए तो ये सही है, बट इसके लिए तो नहीं है ना ये सही। अगले ने टू एनी सेट बोल दिया, ठीक है, ये था आपका। इसी का मैं एट की बात करूं, एट पार्ट के अंदर क्या गिवन है, एट में देखिए, इसके एट में गिवन है कि एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट, कि एवरी सेट आपका क्या है, देखो ये लिखा हुआ आपका एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगले ने बोला है कि हर सेट का प्रॉपर सेट होता है। मैं लेट करके एक ऐसे मान लेता हूं कि लेट ए इक्वल टू एक सेट है अपने पास में फाइव। अब इसका कोई प्रॉपर सेट होगा क्या? नहीं होगा, इसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होगा। जैसे कि अपन क्वेश्चन नंबर इसमें फिफ्थ में डिस्कस किया था ना, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, तो इसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसी का मैं नाइन्थ की बात करूं, तो नाइन्थ में आपको गिवन है कि एवरी सबसेट ऑफ ए फिनाइट सेट इज फिनाइट, ठीक है ना, कि आपके जितने भी फिनाइट सेट हैं उनके सबसेट भी क्या होंगे? फिनाइट होंगे। तो ये तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, कि फिनाइट सेट, जैसे मैं ये बोल दूं कि कोई लेट करके इसे ए इक्वल टू 1.2 ले लेता हूं, इसके मैं सेट बनाऊंगा तो वो फिनाइट ही तो होंगे। जैसे फर्स्ट आपका 5, ये फिनाइट सबसेट है, 1 ले लूं ये भी फिनाइट है, 2 ले लूं ये भी फिनाइट है, और 1.2 ले लूं ये भी क्या आपका फिनाइट सेट है। तो जितने भी आपके फिनाइट सेट हैं उन सब के सबसेट भी क्या होंगे? फिनाइट ही होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में इसी में टेंथ की बात करूं मैं, तो टेंथ के अंदर आपको इनफिनाइट सेट का हर सबसेट आपका क्या होगा? इनफिनाइट होगा। ये कंडीशन आपकी क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? तो देखिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए कोई एक सेट ए है, इस सेट को मैं ले लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, और ये कौन सा सेट है आपका? इनफिनाइट सेट है। तो इस इनफिनाइट सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे इनफिनाइट होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यदि मैं इसकी सबसेट निकालूं, इसके सबसेट निकालूं, तो पहला सबसेट तो 5 हो गया, ये इनफिनाइट है क्या? नहीं है। फिर मैं 1 की बात करूं, ये इनफिनाइट है क्या? नहीं है। फिर 2 की बात करूं, ये इनफिनाइट है क्या? नहीं है। ऐसे ये चलते जाएंगे, बहुत सारे आपके इनफिनाइट सबसेट आते रहेंगे, लेकिन ये सबसेट जो आए हैं ये आपके इनफिनाइट नहीं होंगे। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है एक्सरसाइज का, नाइन्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आपके आंसर के अंदर जो करेक्शन है वो कर लेना, जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो आपके सही है, आप आंसर के अंदर करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपका एट का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें ट्रू यानी फॉल्स गिवन है, वो ट्रू कंडीशन है, ठीक है। और भी मैंने यहाँ पे जो बताए हैं आपको वो कर लेना, और सेवन के अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, वो करेक्शन कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की मैं बात करूं, तो फाइंड द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी पावर सेट फाइंड आउट करनी। तो पावर सेट पहले मैं एक की बात करूं, तो एक के अंदर एक सेट है डिजिट इन द नंबर 98 का एक डिजिट का एक सेट बना हुआ है। तो 98 को मैं इन दोनों डिजिट से एक सेट बनाऊं तो 9.8 ही होगा। सबसे पहले तो इसके सबसेट निकालो, ये क्या है? सबसेट ऑफ सेट ए। इसके सबसेट फाइंड आउट करूं तो 5, फिर दूसरा 9 और तीसरा 8 और फिर चौथा, इन दोनों को मिक्स कर दो कंबाइन करके, ये लीजिए, समझ गए होंगे। अब मैं यहां से निकालूं इनके पावर सेट, ठीक है ना। पावर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पीओ पे। अब पीओ एक की डेफिनेशन आप जानते हो कि जितने कोई भी सेट आपको गिवन है
उन सेट ए के सबसेट का सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो ये सबसेट है, इन सेट को मैं सबसेट बना दूं, ये तो अभी तक सबसेट ही बना रहा हूं मैं, ठीक है, इन सब का मैं सेट बना दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, पावर सेट बन जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में आपको गिवन है कि लेटर इन द वर्ड किड, तो बी एक सेट है बी, इसमें एक वर्ड है के आई डी, तो के कोमा आई कोमा डी, इसके सबसेट बनाओ तो इसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट तो फाइव हो गया, उसके बाद में के हो गया, उसके बाद में आई हो गया, उसके बाद में डी हो गया, उसके बाद में डबल कर दो के कोमा आई हो गया, उसके बाद में आई कोमा डी कर दीजिए, और उसके बाद में के कोमा कैपिटल डी हो गया, और उसके बाद में बात करूं नेक्स्ट आपका एलिमेंट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, तीनों को मिक्स कर दो, के कोमा आई कोमा डी का एक सबसेट, देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 ही आएगा। अब मुझे निकालना है पावर सेट, तो पावर सेट पी ऑफ बी, बी का पावर सेट क्या होगा, पी ऑफ बी, तो इनका पावर सेट की वैल्यू में इन्हीं को ब्रैकेट में बंद कर दो, तो देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से यहां पे देखो पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी देखना ध्यान से, ये तो फाइव, फिर के, फिर आई, फिर डी, फिर के आई, फिर आई कोमा डी, फिर के कोमा डी, फिर तीनों का के आई डी, ये लीजिए, ठीक है, और ये आपका पावर सेट, समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये सबका। तो ये था आपका 9 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, अब आप इनको नोट डाउन कीजिए, करते हैं डिस्कस इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे, थर्ड देखो इसका, थर्ड के अंदर जो वैल्यू आपको गिवन है वो है s इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले तो इनकी सबसेट निकालना है, क्या निकालना है, सबसेट, सबसेट ऑफ सेट s, ये निकालना है, तो फर्स्ट तो 5, फिर 2, फिर 3 और फिर 2.3, ये तो सबसेट हो गया। अब इन्हीं का पावर सेट निकालना है, तो इनका पावर सेट निकालो तो पी ओ यहां पे लिख देता हूं मैं, पावर सेट, पावर सेट पी ओ एस, और ये लीजिए पावर सेट, ठीक है, समझ गए होंगे, ये तो मेरी चीज थी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, फोर्थ पार्ट में क्या है, टी, टी की वैल्यू, टी एक सेट है 4 7 9, 4 7 और 9, ठीक है। सबसे पहले इनकी मैं सबसेट की बात करूं, सबसेट ऑफ सेट टी, इनकी बात करूं तो सबसेट क्या होंगे, 5 4 7 9 4.7 7.9 4.9 और फिर आ जाएंगे 4.7.9, ये आ गए आपके सबसेट। आपको तो पावर सेट निकाल लेते हैं, तो पावर सेट की मैं इसकी यहां पे पावर सेट ऑफ सेट, ठीक है ना, यहां पे क्या निकलूं मैं, यहां पे पावर सेट, पावर सेट, ठीक है ना, आप दोबारा लिखना इसको, ठीक है ना, पावर सेट टी है तो टी का पावर सेट पी ओ टी, इसका पावर सेट निकालू तो इस पे ब्रैकेट लगा दो, ये लीजिए,
ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सारे इस सेट के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट, पावर सबसेट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। इस पावर सेट के ये सारे सबसेट क्या हो जाएंगे, एलिमेंट बन जाएंगे, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज फर्स्ट बी का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी अपनी कंप्लीट है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।